मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप धन खरीदने में फेल साबित हुए। मोदी खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपाई मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे बेच देना चाहते हैं, और इसलिए इस निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है। जब तक ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इन तीनों काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करवाकर ही हम चैन से बैठेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक देश के किसान, हरियाणा के किसान, हरियाणा के SC BC के हमारे भाइयों, छोटे दुकानदारों और मजदूरों की ड्योढ़ी पर हम मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी उनके घुटने वहां नहीं टिकवा देते। राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है जी, राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है, और अनिल भी धमकी दे रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर अधिकार यात्रा की शुरुआत 4 तारीख को पंजाब की भूमि से की है, मोगा मंडी से। यह यात्रा 6 तारीख को पेवा बॉर्डर से हरियाणा में एंटर करेगी। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पिंडी कांप रही है, उनका मन घबरा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी तो अब सड़क मार्ग से, और मुख्यमंत्री तो सड़क मार्ग से चलते भी नहीं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उनके सांसदों और विधायकों का बहिष्कार हुआ है। ऐसी घबराई डरपोक सरकार कायरतापूर्ण अगर कोई कार्रवाई करेगी तो परिणाम वो खुद भुगतेंगे। हम गिरफ्तारियां देंगे गांधीवादी तरीके से, पर किसान की, मजदूर की, दुकानदार की लड़ाई को झुकने नहीं देंगे। सर, PK दास जी का एक बयान आया है कि अगर आढ़ती धान नहीं खरीदेंगे तो सरकार खुद खरीदेगी और पैसा किसान के खाते में जाएगा। क्यों नहीं खरीद रही सरकार? मैं अधिकारियों के बयान पर वाद विवाद नहीं करना चाहता। धान खरीदने की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला उस विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है। कैथल के अंदर धान 1888 की बजाय 1400 पर पिट रहा है। मुख्यमंत्री जहां से खुद विधायक हैं वो करनाल मंडी अटी पड़ी है। किसान बेहाल है, बदहाल है, और केवल यही नहीं, खुद उचाणा मंडी के अंदर जिन्होंने गलती से जो पछता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को चुनकर भेजा था, आज वहां किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या दर दर की ठोकरें, बर्बादी और बदहाली किसान के नाम, और हेलीकॉप्टर खट्टर और दुष्यंत चौटाला के नाम अब ये नहीं चलेगा।